महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर ऐलान किया कि जहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा वहां हनुमान चालीसा होगा। राज ठाकरे ने कहा, यह सामाजिक विषय है, यह धार्मिक नहीं है। अगर वे इसे धार्मिक रंग देते हैं तो हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। राज ठाकरे ने कहा, हम इस मुद्दे पर शांति से बात करना चाहते हैं लेकिन सरकार इसे नहीं समझ रही है। सरकार हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सरकार को हमारे लोगों को गिरफ्तार करने से क्या मिल जाएगा? राज ठाकरे ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए। मेरा विरोध बस इतना है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। राज ठाकरे ने कहा, मेरा विरोध साल भर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है। कैसे मस्जिदों को लाउडस्पीकर के साल भर इस्तेमाल के लिए अनुमति दी जा सकती है? राज ठाकरे ने कहा, हमने 4 मई तक लाउडस्पीकर हटाने की विनती की थी। हमने कहा था कि अगर लाउडस्पीकर पर अजान हुआ तो हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएंगे। राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में 1400 मस्जिदें हैं, 135 मस्जिदों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़कर लाउडस्पीकर से अजान चलाई गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन पर क्या कार्रवाई की गई? राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में 90% मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि मस्जिदों ने हमारी बात मानी, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद नहीं होता हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। राज ठाकरे ने कहा, मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, अजान के खिलाफ नहीं हूँ। त्योहारों पर आप अनुमति के साथ लाउडस्पीकर चलाएं, लेकिन साल भर लाउडस्पीकर के हम खिलाफ हैं। राज ठाकरे ने कहा, हम राज्य में शांति चाहते हैं। हमारा कहना साफ है कि मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन होना चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा, ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता, इसमें सभी का सहयोग है। उन्होंने कहा, अवैध मस्जिदों को लाउडस्पीकर की इजाज़त क्यों दी गई है? कानून का पालन न करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी मांग सिर्फ सुबह की अजान के लिए नहीं है। जब तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतर जाते यह अभियान जारी रहेगा। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर दोपहर तक प्रदेश में 250 से ज़्यादा मनसे कार्यकर्ताओं व नेताओं को हिरासत में लिया गया। बांद्रा, भिवंडी और नागपुर में भी अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की सूचना मिली। पुणे व नागपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लाउडस्पीकर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, कई जगह पर मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। मेरे पास सुबह से कई जगह से फोन आ रहे हैं। मनसे प्रमुख ने कहा, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, जो कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।